जब भी आप मंत्र करोगे, मंत्र में ध्यान नहीं लगेगा, मंत्र करते करते आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा, ये स्वाभाविक है। क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति भी आएगी, आप मंत्र जाप करने लगे हो तो किसी से फोन पे कोई बात करनी थी, वो बात फोन एक घंटे की बात हो गई पर वो मेन बात नहीं हो पाई। जब आप ध्यान में बैठते हैं वो बात याद आती है। कभी किचन में कोई काम था, ध्यान में बैठेंगे मंत्र करेंगे वो बात याद आएगी। कभी किसी का नाम याद नहीं आ रहा था, सामने मिले भी उस व्यक्ति को, ध्यान में बैठेंगे तो वो नाम याद आएगा। इसका मतलब बेटा आप मंत्र कर रहे हो, क्योंकि जैसे माइंड को आराम मिलता है वैसे वैसे जो भूली हुई चीजें हैं, दबी हुई चीजें हैं याद आती हैं। कभी कभी पास्ट लाइफ की बातें याद आ जाती हैं। कभी कभी अच्छी स्थिति हो, आप जो कर रहे हो उसके प्रति कोई आइडिया याद आते हैं। पर आप इष्ट की ओर एकाग्र होके बढ़ते जाना है। आज हम इष्ट का ध्यान ही करेंगे। ध्यान मंत्र जाप में दूसरा ध्यान रखना कि मंत्र जाप तीन टाइप का है, आप जानते हैं, बहुत बार हमारी बात हुई इस पे। एक मंत्र जाप है ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मंत्र जाप तीसरी श्रेणी का है। सेकंड जाप है आपके लिप्स हिलें पर साथ में कोई बैठा है उसको मंत्र सुनाई ना दे। और फर्स्ट है कि लिप्स भी नहीं हिले, अंदर से मंत्र चले। जब अंदर से मंत्र चलता है ना तो आप देखेंगे कि नाभि चक्र तक उसकी गूंज जाती है और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी को, माइंड को आदत पड़ जाती है। आप कुछ भी कर रहे हो मंत्र चलता रहता है। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी आपकी, फिर आपका ध्यान मंत्र में लगने लगेगा। मंत्र के साथ मंत्र का जो कर रहे हो, जैसे बीज मंत्रों के कोई मीनिंग नहीं होते पर उसकी भावना होती है। जैसे छोटा बच्चा है वो कुछ भी कहता है, 6 महीने का बच्चा, साल का बच्चा, माँ को पता चलता है, दादी को पता चलता है, पिता को जल्दी पता नहीं चलता। पिता बुला के लाता, माँ को देखो इसको क्या जरूरत है। इसी तरह से बीज मंत्र जब हम करते हैं तो हम चाहते क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारे इष्ट देव पूरा करते हैं। और मंत्र करने के लिए मंत्र के शब्द पूरे बोलना, मंत्र के साथ जो लय है पूरी लय को समझना, शब्दों को खाना नहीं। आप 5 माला की जगह 2 माला कर लो पर आराम से, बहुत प्यार से। हम क्या करते हैं कि 5 माला कहीं है करने को, तो 5 माला करने के लिए कभी कभी तो हम कहते हैं कि तू 15 मिनट में की, मैंने 10 मिनट में 5 माला कर ली। फिर हम ऐसे भी करते हैं कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम बैठ नहीं सकते, रास्ते में ही हमने कहा 5 माला पूरी हो जाएंगी। तो मैं आपको राय देता हूं, मुझे गुरुदेव जी ने समझाया था, कहते उसके साथ क्या हिसाब करना जो हमारे साथ नहीं हिसाब करता। उस माता जी के प्रति, भगवान के प्रति गिनती करके जापना करो। आप सोचो कि आपको आधा घंटा कहता हूं बैठने को, आधा घंटा पूरे मन से लीन हो करके बैठ जाओ, पूरे सरेंडर होके बैठ जाओ। और मंत्र के कभी कभी अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, मंत्र शुद्ध हो, मंत्र क्लीन हो और जो आप कहना चाहते हो, जो भावना है वो आपकी हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें भगवान के ही दर्शन करने हैं, हमें कोई संकल्प नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उनके लिए अलग से साधना है। पर मुझे तो चाहिए, मैं तो आप सबको हीलिंग सिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग हीलर बने, सब लोग आपका, आप सभी लोगों का आप भला करें। अगर हीलिंग से भी उसी की शक्ति से ही होगी, आपको जो कुछ मिलेगा फल उसी शक्ति से ही मिलेगा, तो आप कृपा करके इस चीज को लेना। और अभी हम क्लीनिंग के लिए मंत्र का जाप शुरू करेंगे। और एक बात मैं और कहता हूं कि सब काम ही ध्यान से करना शुरू कर दो। खाना बना रहे हो, पूरा खाने में ही ध्यान दो, सरस्वती माँ का, अन्नपूर्णा माँ का आप जाप करते हुए खाना बनाओ। आप स्टडी कर रहे हो, माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हुए स्टडी करो। आप अपनी जॉब पे हो तो जो भी जॉब है आपकी,
उसको पूरे तन मन से करो। आप देखेंगे कि जैसे आप भगवान के चरणों में बैठेंगे आपका ध्यान भी लगने लगेगा। जैसे हम कभी कभी एक टाइम में चार चार चीजें करते हैं, उससे वो हमारे ध्यान में बहुत खलल डालता है, उसको आप धीरे 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 कंट्रोल करो।